हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास? बढ़िया। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, अपने कॉन्ट्रैक्ट एड के सफर को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले लेकिन हम क्या करते हैं ऑलवेज, यस, लास्ट क्लास का रिवीजन, जो भी हमने लास्ट क्लास में किया है। लास्ट क्लास में क्या किया है कुछ याद है? यस, वी हैव डन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, जनरल ऑफर किसके लिए है? सबके लिए, पब्लिक एट लार्ज, सारी पब्लिक के लिए, ओपन टू ऑल पब्लिक। यस, एनीबडी कैन एक्सेप्ट इट, एनीबडी कैन एक्सेप्ट इट। एंड केस लो वाज फेमस, केस लो याद कीजिए बच्चों, जो भी पढ़ा था। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, वी आर विद यू। क्लियर? चलिए, क्या कहते हैं केस लो? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। क्लियर? क्या था टर्म्स एंड कंडीशन? आपको अच्छे से याद आ गई होंगी। नहीं याद आए तो यस, आई एम ऑलवेज विद यू, प्लीज मैसेज मी, व्हाट्सएप मी, वट एवर यू फील, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या था बच्चों? स्पेसिफिकर फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन और ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। क्लियर? बात क्या था? एयरटेल यूजर्स के लिए बात किए हुए क्या? 50 रुपीज आप रिचार्ज कराएंगे तो यस, वी विल पे यू 60 रुपीज कैशबैक। ओके, ओनली फॉर ऑल, ओनली एंड ओनली फॉर एयरटेल यूजर्स, नोबडी एल्स। क्लियर? क्या एग्जाम्पल भी देता कि एचपी और बीपी के पेट्रोल पंप के लिए कुछ अगर स्पेसिफिकली कुछ बताया गया तो यस, इट विल बी कॉल्ड ए स्पेसिफिक ऑफर। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस ऑफर। टू थिंग्स, नंबर एक आइडेंटिकल, नंबर तीन, नंबर टू इग्नोरेंस। नंबर एक क्या था? आइडेंटिकल, एंड नंबर टू इज इग्नोरेंस ऑफ ऑफर। एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता नहीं है और आइडेंटिकल ऑफर है, इट विल बी कॉल्ड ए क्रॉस ऑफर। एंड नेक्स्ट वर्ड्स काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब ओरिजिनल ऑफर के व्हाट कर देना, ओरिजिनल ऑफर की रिजेक्शन कर देना, रिजेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल ऑफर। मैंने ऑफर किया, क्या आप मेरी मेरी बिल्ली खरीदेंगे 100 रुपये में? नहीं। वहां से एग्जाम, वहां से आता है दूसरा ऑफर, नहीं, हाँ नहीं करते। कहते हैं क्या आप मेरा कुत्ता खरीदेंगे 100 रुपीज में? तो अल्टीमेटली हमने जो ऑफर दिया उस ऑफर के अगेंस्ट में अगेन कोई ऑफर दे दिया गया। यस, पहले हम क्या थे? ऑफरर, पर दूसरा पर्सन क्या था? ऑफरी। नाउ अदर पर्सन इज ऑफरी, ऑफरर, वी आर द ऑफरी। ओके, नेक्स्ट वॉज स्टैंडिंग और कॉन्टिन्यूइंग ओपन ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, कॉन्टिन्यूइंग ऑफर, ये क्या होता है? एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इट इज ओपन और इसके बाद ये ऑफर अलाउड नहीं रहता। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए ये ओपन रहता है कि इतने समय तक सेल चलेगी, अमेजन की सेल चलेगी 1 to 4, फर्स्ट डेट टू फोर्थ डेट। यस, तो क्या हुआ ये? स्टैंडिंग ऑफर हुआ। एनीबडी कैन डू दैट, यस, एनी बडी कैन एंजॉय दैट सेल, नो प्रॉब्लम, कोई कहीं का भी हो, नो प्रॉब्लम। तो यस, ऑफर दो टाइप के हो गए इसमें, एक तो क्या हो गया जनरल ऑफर, प्लस में क्या हो गया कॉन्टिन्यूइंग, स्टैंडिंग ओपन ऑफर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अभी तक क्लियर? चलिए फटाफट अब बात करते हैं एजेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर। ऑफर को एजेंशियल होने के लिए कुछ वैलिडिटी की नीड है। कोई भी ऑफर कब माना जाता है ये ऑफर अच्छे से किया गया है, ये ऑफर वैलिड माना जाएगा, उसके क्या एजेंशियल एलिमेंट्स है? वी कैन से एजेंशियल एलिमेंट्स है, क्या है एजेंशियल एलिमेंट्स, वो कब माना जाएगा वो हम बात करते हैं। अब माना जाएगा सबसे पहले क्या कहते हैं, ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस। इस पर बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं बच्चों। लीगल रिलेशन मतलब अगर आप कोर्ट में लेकर जाना जा सकते हैं अपने ऑफर से संबंधित, तो यस, ये आपका इसका एजेंशियल एलिमेंट्स है, अदरवाइज नहीं। एग्जांपल, एक डिनर इनविटेशन दिया गया, अगर डिनर इनविटेशन दिया गया ए ने बी को और बी नहीं आया तो क्या कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। क्या उसको केस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या उसको स्यू कर पाएंगे? बिल्कुल स्यू नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड, यस, ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस। लीगल रिलेशंस का केस लो याद है बच्चों या भूल गए?
एक बार और याद कर लेते हैं, बेलफोर वर्सेस बेलफोर एक था केस, और जितने भी केस लोग हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके नोटबुक में नोट होने चाहिए, बेलफोर वर्सेस बेलफोर। क्या कह रहे हैं, ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन। अगर ऑफर ऐसा है जिससे कुछ लीगलिटी, कुछ लीगल रिलेशन, कुछ लीगलिटी, कुछ लीगल रिलेशन ओपन नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा, तो यस इट इज नॉट ए वैलिड ऑफर, इट विल नॉट बी कॉल्ड ए वैलिड ऑफर। क्योंकि ऑफर के वैलिड होने के लिए बेसिक कंडीशन है कि आप लीगल कॉन्सिक्वेंसिस को कर पाए, लीगल कॉन्सिक्वेंसिस को यूज कर पाए। ऑफर मस्ट लीड टू कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रिएट्स लीगल रिलेशंस, 100% लीगल रिलेशन होने चाहिए, एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसिस इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। सिंपली लीगल कॉन्सिक्वेंसिस क्या, अगर आप डिनर पे मुझे बुलाते हैं और मैं नहीं आता हूँ तो क्या आप मुझ पर केस कर सकते हैं? आंसर इज नो, नेवर। तो यस, लीगल रिलेशन नहीं हुआ, पहला केस। दूसरा, लीगल कॉन्सिक्वेंसिस भी नहीं हुई कि नॉन परफॉर्मेंस नहीं की तो क्या मैं शू कर दे जाऊंगा? आप मुझे कहेंगे मास्टर जी, सर जी आ जाइए, टीचर सर प्लीज आ जाओ, आज आपको पुलिस में लेकर जाना है, आपको जेल की हवा खिलानी है। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे जेल में, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, तो ऐसा क्या बताएगा कि ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन, फर्स्ट पॉइंट। क्लियर, डन। एग्जांपल दिया बस, से फॉर एग्जांपल एक डिनर इनविटेशन बाय ए टू बी इज नॉट ए वैलिड ऑफर, वैलिड ऑफर नहीं है किसी भी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि बेसिक एजेंशियल्स जो है वो ही पूरे नहीं आ रहे। एजेंशियल फर्स्ट नंबर लीगल रिलेशन, क्या है लीगल रिलेशन, एल आर, डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बड़ा मजेदार है नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वेक। बहुत सारे पॉइंट्स हम बच्चों पढ़ चुके हैं पहले, सारी बातें इनको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, अब ये ऑफर के कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है, ऑफर के बारे में बता रहा है, बहुत सारी बातें बताएंगे, तो आपको प्लीज बस कॉन्सेंट्रेट करना है थोड़ा सा, बाकी हम सब कुछ डन कर चुके हैं। चलिए जल्दी से बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, ऑफर मस्ट बी क्लियर होना चाहिए। क्या ये जो फ्रूट्स हैं इतने सारे, मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको फ्रूट्स, आज मैं आपके घर पर फ्रूट्स देकर जाऊंगा, 2 kg, कितना 2 kg फ्रूट्स, कौन से, पाइनएप्पल, पपाया, सॉरी पपाया, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, है ना, तो ये कौन से फ्रूट, ऑरेंजेस, क्लियर, और आपका ग्रेप्स, ये कौन से वाले फ्रूट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या फ्रूट को क्लियर किया गया है? आंसर इज नो, फ्रूट को क्लियर नहीं किया गया है। तो ऑफर किस चीज का होना चाहिए, देयर शुड बी क्लैरिटी व्हाइल यू आर ऑफरिंग समथिंग टू समवन, इट शुड बी क्लियर एनफ। क्लियर होगा तो ही तो वो बंदा समझ पाएगा, तभी तो पर्सन को क्लियर हो पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप एक पर्सन को सेल करने की बात करते हैं फ्रूट्स की, लेकिन कौन सा फ्रूट ये आपने नहीं बताया, क्लियर, तो यस सिंपली ये ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी इज नॉट देयर, क्या नहीं है, क्लैरिटी इज नॉट देयर। बात करते हैं, ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वेक, द टर्म्स ऑफ फॉर प्रपोजल शुड बी वेरी क्लियर होनी चाहिए एंड डेफिनेट होनी चाहिए। यस, डेफिनेट और क्लियर तो मैंडेटरी टर्म्स हैं, नहीं होंगी तो यस ऑफर को हम नहीं बोल सकते ये वैलिड ऑफर है। इफ द टर्म्स आर वेग और अनक्लियर इट विल नॉट अमाउंट टू वैलिड ऑफर, श्योरली यस। टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कहता है, ए ऑफर्स टू सेल बी फ्रूट्स वर्थ ₹15,000, सिंपली कहता है कि मैं आपको सेल कर दूंगा 15,000 के फ्रूट्स, क्या वैलिड ऑफर है? आंसर इज नो, वैलिड ऑफर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नहीं बताया किस टाइप के फ्रूट्स, विच टाइप ऑफ फ्रूट्स ही इज गोइंग टू सेल, विच टाइप ऑफ फ्रूट, क्लियर नहीं, वेग है, 100% अनक्लियर है, अनसर्टेन है, क्या है, अनक्लियर है एंड अनसर्टेन है। तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन डू नथिंग, क्योंकि क्लैरिटी होना तो मैंडेटरी है ना, क्लैरिटी नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी,
ओ फ्री कौन है? ओ फ्री आपको बात बताई थी। यस, जो पर्सन ऑफर करता है वो क्या है? ऑफरर। जिसको किया गया है वो क्या है? ऑफरी। जिसको किया गया वो कौन है? ऑफरी। और जो कर रहा है वो कौन है? ऑफरर। जैसे सिंपल सिंपल शब्दों में बात करते हैं। एग्जाम्पल केस लो है बहुत अच्छा, वो भी हम बात करेंगे। सपोज मेरे साथ में तीन फ्रेंड्स खड़े हुए हैं। मैं उनको बोलता हूँ, क्या यार आज मूवी जाने का मूड है? सिंपल इतना कहता हूँ, क्या है आज मूवी जाने का मूड है। बस पहली बात, मैं किसी पर्सन को बोलता नहीं हूं कि तुम मेरे साथ मूवी चलोगे क्या। तो जब मैंने ये पूछा ही नहीं, राम श्याम महेश दिनेश उन चारों में से किसी से मैंने ये पूछा ही नहीं, तुम मेरे साथ मूवी चलोगे क्या, तो क्या वो चल पाएंगे? क्या वो बता पाएंगे? आंसर इज नो, नेवर। तो क्लियरिटी किसको होनी चाहिए? जिसको हम ले जाना चाहते हैं उसको कम से कम बताएं तो सही, उसको कम से कम क्लियर तो करें। सपोज एक और एग्जांपल, रणवीर सिंह अगेन ले आते हैं बेचारे। रणवीर सिंह अंकल जी को तो अपन हर केस में ले आते हैं। क्या कहते हैं रणवीर जी? रणवीर सिंह क्या कहता है? रणवीर सिंह क्या कहते हैं? यहाँ पर है दीपिका, यहाँ पर है कटरीना और यहाँ पर है सोनम कपूर। ठीक है, वो क्या कहता है? वो वॉन्ट टू मैरी। क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट टू मैरी, मैं शादी करना चाहता हूँ। किससे करना चाहता है ये नहीं बताया है। दीपिका से करने चाहते हैं, कटरीना से करना चाहते हैं, सोनम कपूर से करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं ये नहीं बोल रहे हैं। बस बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू मैरी। दीपिका अपने मन में सोच रहे, अच्छा मुझसे करना चाहते हैं। कैटरीना अपने मन में मुझसे करना चाहते हैं। सोनम अपने मन में सोच रहे मुझसे करना चाहते हैं। क्या होगा? और रणवीर सिंह करना चाहते हैं किसी और से। सपोज जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, सब हाइपोथेटिकल चीज है, तो प्लीज इसको अपने रियल लाइफ के साथ अटैच नहीं किया जाएगा। रणवीर करना चाहते हैं अनुष्का शर्मा के साथ, सिंपली। तो ये क्या हुआ? ऑफर किसको किया गया? ऑफर क्या इनको किया गया है? आंसर इज नो। ऑफर क्या इसको किया गया है? आंसर इज नो। अगर आप किसी पर्सन से एसोसिएट होना चाहते हो, उसको बताना चाहते हो, तो आपको पूछना पड़ेगा। यस, रणवीर सिंह पूछेंगे अनुष्का जी से, क्या आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू बी माइन, विल यू बी माइन। तो इसका मतलब अब रणवीर सिंह किससे पूछ रहे हैं? अनुष्का से पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं मतलब अपना ऑफर पूछ रहे हैं, ऑफर तो दे रहे हैं, ऑफर कम्युनिकेट कर रहे हैं किसको? जस्ट कम्युनिकेटिंग हिज ऑफर। वो अनुष्का जी की मर्जी है, वो चाहे तो मेरी करे, वो चाहे तो करें। क्लियर? डन। चलिए नोट डाउन प्लीज, पहले सुनना है, जो भी बताना है पहले सुनना है, आफ्टर दैट नोट डाउन करना है। आराम आराम से, टेंशन नहीं लेनी है। यस, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर क्या किया जाना चाहिए? कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। एक केस लो है जो बड़ा अच्छा, आज उसमें बात करते हैं। इसमें बहुत अच्छा केस लो बताया हुआ। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। क्या कह रहे हैं? ऑफर कम्युनिकेट किया जाना चाहिए किसको? ऑफरी को। नो ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर। यह सिंपल बात।
क्लियरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. नो ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर. ऑफर की नॉलेज ही नहीं है तो हाउ कैन ए पर्सन कैन एक्सेप्ट. एज एन एग्जाम्पल हमने अभी देखा रणवीर सिंह अनुष्का, द फेमस केस स्टडी रिगार्डिंग दिस इज लाल मोहन शुक्ला वर्सेज गोरीदत्त. यस, वेरी फेमस केस लॉ इज लाल मोहन शुक्ला वर्सेज गोरीदत्त. बात करते हैं क्या होता है, लाल मोहन शुक्ला कौन है और गोरीदत्त कौन है. लाल मोहन शुक्ला का नंबर पहले नाम पर लिखा हुआ है, तो लाल मोहन शुक्ला क्या है, केस किया हुआ ना प्लेंटिफ 100%. गोरीदत्त क्या है, डिफेंडेंट्स. क्लियर, ऐसे ही तो होता ना. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये बताया भी गया था कि लाल मोहन शुक्ला जिसका नाम पहले होता है वो कौन होता है, प्लेंटिफ, जो केस करता है, जो सू करता है. अनदर पर्सन इज डिफेंडेंट, जो बचाता है अपने आप को. केस यार मैं ऐसा तो नहीं कहा था, कुछ गड़बड़ हुई है. चलिए अब बात करते हैं इसमें केस किसने किया होगा, लाल मोहन शुक्ला जी ने. किस पर, मिस्टर गोरीदत्त पर. चलिए अब क्या होता है बच्चों, केस के फैक्ट्स को हम समझ लेते हैं. आइए आराम से, आपको बस केस के फैक्ट समझने होते हैं और एग्जाम में आपको केस का नाम ही लिखना होता है और आपको कुछ नहीं करना होता है. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे क्या करते हैं, पूरी डिटेल केस की देकर आ जाते हैं, जो कभी भी नहीं करना है. क्लियर, चलिए बात करते हैं क्या होता है. एक होते हैं मिस्टर लालमान, एक होते हैं मिस्टर गोरीदत्त. अब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, मिस्टर गोरीदत्त जी का नेफ्यू बेचारा कहीं गुम हो जाता है. क्या हो जाता है, गुम हो जाता है, मिसिंग हो जाता है. वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, अपने नेफ्यू से बहुत प्यार करते थे, हर कोई करता है. यस, हमारे चाचा जी भी हमसे बहुत प्यार करते हैं. तो यस, मिस्टर गोरीदत्त के नेफ्यू थे कौन, है ना, वो क्या हो गए, मिसिंग हो गए. अब मिसिंग हो गए तो गोरीदत्त जी ने उनको ढूंढा, वो मिले नहीं. तो गोरीदत्त जी ने क्या किया, ध्यान से सुन, उनका एक सर्वेंट था लाल मोहन शुक्ला, उसके सामने भी वो रो रहे थे, यार मेरा नेफ्यू गुम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, मिस हो गया. तो लाल मोहन शुक्ला एकदम कर्तव्य प्राण, एकदम निष्ठावान इनका नौकर, क्या करता, फटाक से चले जाता है. लाल मोहन जी, मिस्टर लाल मोहन गए कहाँ, तो क्लियर. नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेफ्यू को ढूंढने के लिए चले गए, ढूंढने के लिए चले गए और आए नहीं दो दिन तक. गोरीदत्त जी को और चिंता लग गई, लाल मोहन जी भी नहीं है. तो गोरीदत्त जी ने क्या किया, गोरीदत्त जी ने एक एक्शन लिया, क्या, एक एडवर्टीजमेंट दिया. एडवर्टीजमेंट दिया पेपर में और उसमें क्या बताया कि जो कोई भी मेरे प्यारे भतीजे को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 5,000 रुपीज. क्या कहा, एडवर्टीजमेंट दिया, जो कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 5,000 रुपीज. अगेन बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, गोरीदत्त जी का नेफ्यू, नेफ्यू मिसिंग. यस, लाल मोहन शुक्ला जी उनके सर्वेंट ढूंढने चले गए, किसको, नेफ्यू को. उनके चले जाने के बाद, ध्यान सुनिएगा, चले जाने के बाद गोरीदत्त जी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला, उसमें कहा जो कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 5,000 रुपीज दूंगा. क्लियर, और इस एडवर्टीजमेंट के बारे में मिस्टर लालमन को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही मिस्टर लालमन जी भतीजे जी को ढूंढ कर ले आते हैं, ये इन्हें ढूंढने गए थे और ये इसे ढूंढ कर ले आते हैं और इनको देते हैं. ये बहुत खुश होते हैं, शाबाश लालमन, मेरा प्यारा
नौकर है, मुझे तुझ पर गर्व है, चले जाता है। नेक्स्ट डे लाल मान जी को पता चलता है कि यार मेरे मालिक मतलब गौरीदत्त जी ने, मेरे मालिक मतलब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जो कोई भी ढूंढ कर लाएगा उसे 5,000 रुपीज दिए जाएंगे। तो लाल माल जी ने कहा अपने गौरीदत्त जी को कि महाराज मुझे 5,000 रुपीज दो। गौरीदत्त जी ने कर दिया मना। तुम तो ऑलरेडी उसको देखने चले गए थे, ये तो बाकी लोगों के लिए था। क्या जब मैंने ऑफर किया था तुझे पता था? वो कहता है नहीं। लालमन कहता है नहीं पता था, लेकिन फिर भी राइट है 5,000 रुपए लेने का। गौरीदत्त जी कहते हैं ले ले बेटा, ले। नहीं दे रहे? लालमन जी कहते हैं नहीं दे रहे। वो कहते हैं नहीं दे रहे। बोले अब लालमन ने क्या किया? केस कर दिया। किस पर? गौरीदत्त जी कि मुझे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि मैं इनके प्यारे भांजे उबली भतीजे को ढूंढ लाया हूं। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने सुनवाई की, कोर्ट में क्या बताया गया? कोर्ट में बताया गया कि सर, गौरीदत्त जी ने कहा सर जब नेफ्यू चला गया था, मिसिंग हो गया था, तो उनको ढूंढने के लिए लालमन भी चला गया था, और मैंने जो एडवर्टीजमेंट दिया वो कब दिया? लालमन के जाने के बाद। तो सर जब इन्होंने उस एडवर्टीजमेंट को सुना ही नहीं, तो कैसे ये उस 5,000 रुपए के लिए मुझ पर केस कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा बात तो सही है, कोर्ट ने कहा बात तो सही है, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया लालमन की प्ली को, लालमन की अपील को। फाइनली कहा गया कि नहीं, आपको 5,000 रुपीज लेने का कुछ भी राइट नहीं है, बिकॉज ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू यू। ऑफर आपको कम्युनिकेटेड किया ही नहीं गया है। लालमन की समझ में आया, ओके मालिक साहब गलती हो गई, सॉरी। सिंपली ठीक, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? फाइनली यस, ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू यू, सो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द रिवार्ड मनी। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा, केस लो याद रखना बस। नेम लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त जी। गौरीदत्त सेंट हिज सर्वेंट एल टू ट्रेस इन मिसिंग नेफ्यू। यस, ही देन अनाउंस दैट एनीबॉडी हु ट्रेस्ड हिज नेफ्यू वुड बी एंटाइल्ड टू सर्टेन रिवॉर्ड। वी आर जस्ट टेकिंग एन इमेजिनरी फिगर। एल ट्रेस द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इग्नोरेंस रही इस अनाउंसमेंट की, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट अनाउंसमेंट। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू द नो ऑफ द रिवॉर्ड ही क्लेम्ड इट हेल्ड, ही वॉज एंटाइटल टू रिवॉर्ड एज नॉट एंटाइटल टू द रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट नो द ऑफर हेल्ड। मतलब डिसीजन ऑफ द कोर्ट। Whenever it and wherever it is written held, mean decision of the court. Court का decision आया और court ने finally decision दिया, final कर दिया क्या? Reward के लिए you are not liable. Yes, you are not liable to. You are not entitled to take that reward. Clear? And ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी होना चाहिए। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। लालमन शुक्ला कौन थे? सर्वेंट थे, गौरीदत्त जी उनके मालिक थे। बात कर लिया, क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑफर मे बी कंडीशनल, यस इट मे बी कंडीशनल, इट मे नॉट बी कंडीशनल, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कंडीशनली कोई बताया गया है कि ऑफर जैसे बताया गया वैसे ही किया जाना चाहिए, तो यस वैसे ही किया जाना चाहिए।
क्या कह रहे हैं, व्हाइल एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल एन ऑफर माइट बी कंडीशनल. एक्सेप्टेंस के बारे में बच्चों हम थोड़ा सा लेटर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. इस टॉपिक के बाद हमें कंडीशनल एक्सेप्टेंस पढ़ना है. वो एक्सेप्टेंस क्या होती है वो सारी बातों की हम अभी चर्चा डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अभी ऑफर पढ़ रहे हैं. ऑफर कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस कैनॉट बी कंडीशनल. एक्सेप्टेंस तो वैसे ही की जानी चाहिए जैसे ऑफर किया गया है, लेकिन ऑफर कंडीशनल हो सकता है कि मैं चाह रहा हूँ आप मुझे ऐसे ही पेमेंट करें तो ऐसे ही करें, मैं चाहता हूँ आप मुझे पेटीएम से पेमेंट करें तो आप मुझे पेटीएम से ही पेमेंट कीजिए, मैं चाहता हूँ आप मुझे गूगल पे से ही पेमेंट करिए तो यस आप मुझे गूगल पे से ही पेमेंट कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी क्लासेस मेरी ऐप पर ही लें तो यस आप मेरी क्लासेस ऐप पर ही ले पाएंगे. जब भी मैं ऑफर दे रहा हूँ ये सारे कंडीशन में लगा रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन में लगा रहा हूँ कि यस ये काम ऐसे ही हो पाएगा. अब अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ओके, नहीं तो कोई बात नहीं. लेकिन ऑफर तो मैं जो दे रहा हूँ दैट इज कंडीशनल 100%. कैसे? ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस एनईएफटी. यस बैंक की टर्म है, आपको पेमेंट करनी होती है अगर किसी पार्टी को तो यस आप एनईएफटी के थ्रू कर सकते हैं या आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं. यस ऑनलाइन सिस्टम है पेमेंट का. अगर आप ऑफर कर रहे हैं कि पेमेंट आपको कैसे करनी है, यस ऐसे ही करनी है तो यस ऐसे ही करनी है तो मतलब ऐसे ही करनी होगी. सिंपल कंडीशनल है 100%. आप किसी और मोड से पेमेंट करते हैं, अगर कैश में पेमेंट करते हैं, कैश ही पेमेंट करते हैं तो सर मैं तो कैश में दूंगा, सर नो प्रॉब्लम, नो 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 इट्स अ बिग प्रॉब्लम, आपसे हम कैश नहीं ले पाएंगे बिकॉज मैंने जो ऑफर दिया वो किस चीज़ का दिया है, मैंने जो ऑफर दिया है वो दिया है आपको केवल आरटीजीएस और एनईएफटी का. क्लियर? चलिए क्या करें, द ऑफरी विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ ऑफर अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज. सिंपली जो ऑफर दे रहा है, ऑफरर जो दे रहा है, कंडीशन भी उसी की मानी जाएगी, कंडीशन भी उसी की चलेगी. ऑफरी कुछ नहीं कह सकता है नहीं मैं तो ऐसे नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, वैसे करूँगा. तो ऑफरर क्या कहेगा, ठीक है सर आप रहने दीजिए मैं किसी और से बात कर लेता हूँ. ओके चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑफर कैनॉट कंटेन ए नेगेटिव कंडीशन. यस मैं ना आपको अपना डॉग दिखा रहा हूँ आज, ये डॉग मैंने देखा दिया आपको सेल करने के लिए 5,000 रुपीज में मिलेगा. क्लियर? अगर आपने विद इन वन वीक यस और नो नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. सिंपल करें, क्या कोई नेगेटिव कंडीशन लगा दी क्या? अगर आपने नहीं किया कुछ भी यस और नो तभी भी मैं मान लूंगा कि यस है, अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया तो मैं मान लूंगा वो एक्सेप्टेंस है. ऐसा कुछ ना होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है. आपको ऑफर अगर कम्युनिकेट किया गया है तो यस पर्सन उसके बारे में आपको डिटेल बताएगा, सारी बातें समझाएगा, यस तो ही वो वैलिड होता है, अदरवाइज वैलिड नहीं हो पाएगा. क्या कह रहे हैं, the non-compliance of any terms of offer cannot lead to automatic acceptance of offer, hence it cannot say that if acceptance is not committed by a certain time it will be considered as accepted. Example, a offer to sell his dog to be for 5,000, if the offer is not rejected by Sunday it will be considered as accepted. Agar offer reject nahi kiya gaya hai kab tak, Sunday tak, to main maan lunga wo accepted hai. To ye kaun se sense mein hua bachcho, ये नेगेटिव सेंस में आपका ऑफर हुआ. सिंपली ऑफर अगर दे रहे हैं तो यस दूसरे पर्सन को टाइम तो चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए, यस और नो करने के लिए. आप कह रहे हो कि अगर आपने मना नहीं किया तो मैं मान लूंगा, यस. एक्सेप्टेंस में आपको यस करनी पड़ेगी तभी वो एक्सेप्टेंस होगा. तो ऑफर जब आप दे रहे हैं तभी आप ये कंडीशन लगा रहे हैं, अगर आपने मना नहीं किया तो मैं मान लूंगा ये एक्सेप्टेंस है. तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंस में बोला जाता. बात करते हैं, नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑफर कैनॉट लीड टू ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस. मतलब अगर
आपने ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया तो यस मैं मान लूंगा कि क्या हो गया है, ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस हो गई है। इसलिए कहा गया कि ऑफर एक सर्टेन टाइम में नहीं अगर कम्युनिकेट हुआ, यस वापस नहीं आया, एक्सेप्टेंस नहीं आई उस ऑफर की, तो यस क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसलिए कहा गया हैंस इट कैनॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय अ सर्टेन टाइम इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक सर्टेन टाइम एक्सेप्टेंस नहीं आई है तो हम मान लेंगे एक्सेप्टेंस है। क्लियर? ए ऑफर टू सेल हिज डॉग टू बी फॉर 5,000, यस इफ द ऑफर इज नॉट रिजेक्टेड बाय संडे इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। क्या कह रहा है, इसको मान लिया जाएगा ये एक्सेप्टेड है, इट इज नॉट ए वैलिड ऑफर, ये वैलिड ऑफर नहीं कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर स्पेसिफिक है, जनरल कुछ भी हो सकता है, 100% कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा पब्लिक एट लार्ज हो सकता है, स्पेसिफाइड पीपल को हो सकता है, यस। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑफर में भी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस में बोल कर बताया जाता है, लिख कर बताया जाता है, सब कुछ बातें बताई जाती है। इम्प्लाइड में कंडक्ट ऑफ द पार्टीज क्या होता है, कंडक्ट ऑफ द पार्टी, पार्टीज की कंडक्ट होती है, पार्टी का आचरण होता है, पार्टी का व्यवहार होता है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो यस इसको बोलते हैं कंडक्ट ऑफ द पार्टी इम्प्लाइड। द ऑफरर, जैसे एग्जांपल में दिया है, एक आपकी रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है, यस गाड़ी रुकी हुई है, एक बच्चा आता है, क्लियर, और क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देता है आपकी गाड़ी पर, यस ये क्या कर रहा है, इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है क्या, कि सर मैं आपकी गाड़ी क्लीन कर रहा हूँ तो प्लीज पे मी समथिंग, अदरवाइज आप मना कर दीजिए। Clear? So it is an implied offer. A boy start cleaning the car and it stop on the traffic signal without being asked to do so. पूछा नहीं गया है. In such an any reasonable man could guess that he expected to be paid for this. Here boy makes an implied offer. Yes, boy ने क्या किया है? Implied offer किया है. चलिए अब आ जाते हैं एक बार ऊपर. The offerer can make an offer through words or even by his conduct. Words के थ्रू जो बताया गया, conduct के थ्रू जो बताया गया. Implied. An offer which is made by words, whether such words are word speaker, spoken or written, it is called express. Through the conduct of the parties, it is always implied. No problem. Clear? Chale. Next chalte hain. Offer is mere invitation of an offer. Aha, ye bachcha bada acha hai. ये एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको एक छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूँ, बस क्या दे रहा हूँ, एक छोटा सा होमवर्क, और फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में क्या मतलब है, तो प्लीज आपको जो भी इसमें समझ आए यू प्लीज मैसेज मी, व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर के, सर इसका ये मतलब होता है, देन आई विल क्लियर यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में क्लियर तो करना ही करना है 100%, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप मुझे ये बताएं, मुझे समझाएं कि सर इसका मतलब हमें ये समझ आया है। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, इससे रिलेटेड केस लॉ भी यही है। ओके, हारो वर्सेस फेसी इसी से रिलेटेड केस लॉ है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है एक्सेप्टेंस, ये हम पढ़ेंगे बाद में, एक्सेप्टेंस हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है केवल ये एक बात, कौन सी, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन ऑब्लिक एन इनविटेशन टू ऑफर। ये आपका बच्चों होमवर्क, ओनली नो इशू, इफ यू कैन, बड़ी अच्छी बात है, नहीं बता पाएंगे नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं और इस पॉइंट को क्लियर कर कर हम आगे बढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जाने से पहले, आज क्लास को ख़त्म करने से पहले, ओवर करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे जल्दी से, एजेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर, क्लास को तो ख़त्म करना ही है ना। ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशन बताया था, यस अगर आप लीगली जाना चाहते हैं, एनफोर्सिबिलिटी चाहते हैं तो यस तो ही आपका ऑफर वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ऑफर क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर,
ओफर कम्युनिकेटेड टू द ओफरी, ओफरी कौन, लालमान शुक्ला वर्सेस गुरदित का केस, आपको ध्यान रहेगा ऑलवेज ध्यान रखने हैं। ऑफर कंडीशनल होना चाहिए, यस कंडीशन जो लगा दी गई है, अगर ऑफर वही बंदा कर रहा है कि जो कंडीशन लगा रहा था, यस ऑफर वैसे ही माना जाएगा कि ऑफर कंडीशनल है, तो आपको वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑफर इनवैलिड है। ऑफर कैनॉट कंटेन ए नेगेटिव कंडीशन, यस अगर आप कहते हैं कि विद इन वन वीक अगर रिप्लाई नहीं आया तो आई प्रिज्यूम यू हैव सेड यस, एक वीक के अंदर अंदर अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया तो मैं मान लूंगा ये क्या है, यस है, तो ऐसा कभी नहीं होता, यस नॉन कंप्लायंस कभी भी ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस नहीं होता, एक्सेप्टेंस को विल कंसीडर इन नेक्स्ट क्लास सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, यस इट में भी स्पेसिफिक और जनरल, ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, एग्जाम्पल एक्सप्रेस बोलना पड़ता है, इम्प्लाइड में बोलने की नीड नहीं, न बोले तुम न मैंने कुछ, कंडक्ट द पार्टी से चलता है, ए बॉय स्टार्ट क्लीनिंग एज एग्जाम्पल, लेकिन नेक्स्ट ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। ओके आप लोगों को केवल बस इतना ही पढ़ना है कि मुझे इनविटेशन टू एन ऑफर का मीनिंग बताना है, बता पाएंगे बड़ी अच्छी बात है, नहीं बताएंगे बच्चों कोई टेंशन नहीं, इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस अपना पढ़ाई करते रहिए और घर पर आराम से रहिए। टेक केयर, स्टे होम, स्टे हैप्पी, टेक केयर।